ताली एक हाथ से नहीं बजता है, उसी तरीके से डाइट एक्सरसाइज आपका साथ ही साथ चलना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में 6 कॉमन फिटनेस मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो आप लोग कर रहे हैं। एंड फॉर हाइट इंक्रीज आपको एक फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो करना है। अगर आप नहीं करेंगे, यू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अगर आपको अच्छा रिजल्ट पाना है, आपको फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो करना है। एंड मैंने खुद किया है, एंड उसके थ्रू मैंने 10 इंचेस हाइट गेन किया था आफ्टर 18 ईयर्स, जहाँ पर मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, लेकिन मैंने करके दिखाया। एंड इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो मैंने यहाँ पर 6 कॉमन फिटनेस मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लिया है, एंड इसे आपको फॉलो करना है, ये मिस्टेक्स को नहीं दोहराना है। एंड आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, बिकॉज यहाँ से आप सभी को बहुत हेल्प होने वाला है। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग वीडियोस को थोड़ा देख कर छोड़ देते हैं। आप लोग अगर ऐसा करेंगे फिर कैसा चलेगा? नहीं चलेगा यार, बिकॉज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ फॉर हार्ट इंक्रीज। एंड अगर आप अपना हार्ट इंक्रीज करना चाहते हैं, एंड जो मैं बोलना चाहता हूँ उसको अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको फ़ायदा कैसे होगा? एंड इसीलिए आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एक वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का होता है, अगर आप थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाएंगे एंड उसी में आप स्किप करके देखेंगे, फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो नंबर 1 जो मिस्टेक है, आप लोग एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप नहीं करते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज एंड डाइट दोनों इंटरलिंक्ड है। एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ की जरूरत पड़ता है। उसी तरह हाइट इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज प्लस डाइट आपको दोनों फॉलो करना है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज रूटीन को स्टार्ट करने से पहले आपको एटलीस्ट 10 मिनट वार्म अप करना है। अगर वार्म अप नहीं करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस है, एंड अगर आप इंजर्ड हो जाएंगे फिर नहीं चलेगा। सो अगर आप इंजर्ड हो जाएंगे फिर आप अपने फिटनेस रूटीन को प्रॉपरली कैसे फॉलो करेंगे? तो अब मैं आपको 2nd कॉमन मिस्टेक बताता हूँ जिसे आप लोग करते हैं। आप लोग बैड फॉर्म से वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं आप लोग, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रॉपर टेक्निक से नहीं करते हैं। कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसे प्रॉपर टेक्निक से करिए, प्रॉपर फॉर्म से करिए। जैसे तैसे करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक आप ढंग से नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप टेक्निक को सीखिए। अभी यूट्यूब में इतना सारा एक्सरसाइजेस है, आपको मेरे चैनल के थ्रू मिल जाएगा, और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा चैनल है जहाँ से आपको प्रॉपर एक्सरसाइज फॉर्म पता चल जाएगा। तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। 3rd कॉमन मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग, लैक ऑफ इंटेंसिटी। आप लोग उस इंटेंसिटी से वर्कआउट नहीं करते हैं। अगर आप एक सेट लगा रहे हैं फिर 10 मिनट रेस्ट ले रहे हैं, फिर 15 मिनट रेस्ट ले रहे हैं, वैसा नहीं चलेगा। कम से कम रेस्ट दें और वर्कआउट को ज़्यादा टफ बनाएं। जितना ज़्यादा वर्कआउट को टफ करेंगे आपका बॉडी उतना स्ट्रांग होगा, एंड आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सही टेक्निक से, प्रॉपर इंटेंसिटी से आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट सेट्स के बिटवीन ज़्यादा आपको रेस्ट नहीं देना है, इसे मिनिमाइज करना है आपको। इंटेंसिटी को बढ़ाएं, जितना वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ेगा आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड नाउ 4th कॉमन मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग इज नो वर्कआउट प्लान। एक वर्कआउट प्लान बना कर रखो कि आज मुझे ये करना है, एंड जो जो आपने लिस्ट में रखा है उसे कंप्लीट करना ही है। आपने सपोज आज टारगेट किया कि मुझे 10 एक्सरसाइजेस करना है, एंड इतना सेट परफॉर्म करना है, इतना रेप्स परफॉर्म करना है, तो पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप वर्कआउट प्लान के मुताबिक नहीं चलेंगे देन यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो वर्कआउट रूटीन बना कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वर्कआउट रूटीन को चेंज करना इंपॉर्टेंट है। हर 15 दिन 20 दिन में वर्कआउट रूटीन को चेंज करो, नहीं तो आपका बॉडी हैबिटुएट हो जाएगा। सेम एक्सरसाइज को बार बार नहीं करना है, फिर आपको रेप चेंज करना है, सेट्स को चेंज करना है, वर्कआउट वॉल्यूम चेंज करना है, कभी इस एक्सरसाइज को आगे लगाना, कभी उसको आगे लगाना है, पीछे लगाना है, ऐसे करके आपको हर चीज़ मैनेज करना है। तो अपना भी दिमाग लगाना कि कैसे आप अपना बॉडी को बोका बना सकते हो। 5th मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग इज दैट यू आर स्किपिंग योर रूटीन्स। सपोज आज आप फुल बॉडी वर्कआउट लगाएंगे एंड फिर आपका मन नहीं हुआ, अरे यार आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, आज मन नहीं कर रहा है, तो अगर आपका माइंडसेट कुछ ऐसा है फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना है और रेगुलर करना है। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कभी भी अपने वर्कआउट रूटीन को स्किप नहीं करना है, जो करना है करना है भाई। जिस दिन मन नहीं करेगा उस दिन ज़्यादा करना है। तो अगर आपका माइंडसेट कुछ ऐसा रहेगा तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। एंड मैंने इसी माइंडसेट से वर्कआउट किया था एंड मुझे रिजल्ट मिला। स्टार्टिंग में होता है कि रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, लेकिन
फिटनेस वैसे नहीं होता है, आपको लॉन्ग टाइम तक फॉलो करना पड़ता है। अगर आप लंबे अंतराल तक करते रहेंगे लॉन्ग टर्म टाइम बाद आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो दो तीन दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, एक महीना दो महीना में आप फिटनेस स्टार नहीं बन जाएंगे। लॉन्ग टाइम तक फॉलो करो, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो, आपको रिजल्ट मिलेगा। सिक्स्थ मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग दैट यू आर नेग्लेक्टिंग योर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, उसी तरीके से डाइट एक्सरसाइज आपका साथ ही साथ चलना चाहिए। जो ट्रेन का जो पटरी होता है ना, साथ ही साथ दोनों को चलाना पड़ेगा। अगर आप एक को करेंगे एक को नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोनों को प्रॉपर रखना पड़ेगा, आपको फिर रिजल्ट मिलेगा। एंड न्यूट्रिशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रोटीन पे ध्यान देना है, जब आप अच्छा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है, लॉन्ग टाइम तक फॉलो करें, कंसिस्टेंट रहे, पेशेंट रखना जरूरी है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एंड मुझे विश्वास है कि आप सभी कर पाएंगे। एंड जो जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसे फॉलो करते रहना, देखना एक दिन रिजल्ट मिलेगा। एंड जब आप अपना हार्ट इंक्रीज करना चाहते हैं एक बार जरूर अपना ग्रोथ प्लेट्स को चेक करवा लो। एंड अगर आपका ग्रोथ प्लेट्स क्लोज्ड भी है तो आपको अपना फिटनेस रूटीन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप फिटनेस रूटीन फॉलो नहीं करेंगे आप अनहेल्दी हो जाएंगे एंड आप अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे सबसे पहली बात। फिर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा, फिर आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपका बॉडी डिसबैलेंस में रहेगा। सो आपको हमेशा एक फिटनेस रूटीन फॉलो करना चाहिए, चाहे आप अपना हार्ट इंक्रीज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब आप हेल्दी रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट इंक्रीज होता है। जेनेटिक्स के साथ साथ ये सब चीज़ भी मैटर करता है, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो अपना हार्ट इंक्रीज करना चाहता है, साथ ही साथ एक प्रॉपर फिटनेस रूटीन फॉलो करना चाहता है। एंड मैं जो भी हूँ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हूँ, मैं सच बात बताता हूँ, मैं जो भी हूँ आप ही लोगों के वजह से हूँ। एंड आप लोग अपना सपोर्ट इस तरीके से दिखाते रहना एंड विश्वास रखना। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के विश्वास पर खड़ा रहूँ हमेशा, ताकि मैं आप लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक करना, जरूर कमेंट करना कि आपको और किस रिलेटेड वीडियो चाहिए। सो आज मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ।